हम हैं यमुना जी के तट पर शमशान घाट में, और यहाँ वृंदावन से महिला हॉस्पिटल के पास से कुछ लोग राजघाट स्नान करने के लिए गए थे, जैसा कि वहाँ अमावस्या का मेला लगता है। और इनके दो बच्चे जो है वो यमुना उसमें गंगा जी में नहाते समय और अंदर की तरफ चले गए, वहाँ कोई इनको व्यवस्था नहीं थी बच्चों को बचाने के लिए। एक ही परिवार के दो बच्चे, केवल दो ही बच्चे थे, और वो दोनों बच्चे आज काल कल्वित हो गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रामकिशन है। हम लोग आज गंगा जी राजघाट अपने बुजुर्गों को नहाने गए थे जी, तो वहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा था जी, तो उसी पीरियड में वहाँ ट्रैफिक भी बहुत जाम लगा हुआ था और पुलिस प्रशासन की कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पर जी। पुलिस प्रशासन का कोई भी एक भी बंदा वहाँ पर नहीं था, तो वहाँ बैरिकेडिंग नहीं है ना, बैरिकेडिंग भी नहीं थी, पुलिस प्रशासन भी नहीं था, गोताखोर भी नहीं थे। और जबकि मैंने मदद मांगी, जो स्टीमर चलाते हैं, जो नाव चलाते हैं, उन लोगों से मदद मांगी, तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। मेरे बच्चे हाफ एन आवर आधा घंटे पानी के अंदर थे, पानी के अंदर मेरे सामने उन्होंने बच्चों ने हाथ पैर फड़फड़ाकर मेरे सामने उन्होंने दम। क्या उम्र रही होगी बच्चों की? बच्चों की उम्र है, एक की 17 साल है और एक की 16 साल है। तो ये आपके भतीजे थे? क्या क्या नाम है? मेरे साथ ही रहते। क्या नाम है उनके? एक छोटे वाले का नाम था सौरभ, बड़े वाले का नाम था गौरव। आप कहाँ रहते हैं वृंदावन? मैं वृंदावन में किशोरपुरा पे रहता हूँ, गौतम पाल महिला हॉस्पिटल के सामने। महिला हॉस्पिटल के सामने रहते हैं। आपका बच्चों से क्या संबंध है? मेरे नाती हैं। आपके नाती हैं? आप बाबा हैं? तो बाबा ये प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं थी वहाँ? नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल, हमें बहुत फोन कॉल ला हमारा, बच्चे गए मेरे यहाँ सामने चल रहे, आप देख रहे हो मुझे खून नहीं खोल दिया मेरा। तो वहाँ बैरिकेडिंग भी नहीं थी? बैठे रहे कुत्ते जहाँ। चलो आप, मैं भी ना था, वो मेरे भी नाती हैं जी, और मैंने बहुत कोशिश की, तो मैं भी दलदल में दो जगह फंसा था, तो इन्होंने मुझे रोक लिया। माँ बहुत हाय हल्ला की, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। तो आप आपने वहाँ मदद मांगी थी? मैंने काफी लोग चिल्ला चिल्ला कर मदद, मेरी पूरी फैमिली मदद मांग रही थी। मेरी फैमिली के कम से कम 8 बंदे उस दंदल के अंदर थे, सारे के सारे हम लोगों ने जितना हुआ उतने बचा के निकाले। राजघाट की बात है? राजघाट की बात है, बुलंदशहर राजघाट, बुलंदशहर राजघाट। हाँ, तो मेरे से जितना हुआ मैंने अपनी फैमिली के, जितने बंदे बचाए जा सकते थे उतने बंदे मैंने बचाए अपनी फैमिली के। मैंने अपनी फैमिली के कम से कम 4 या 5 बंदे उस दंदल से निकाले, किसी को दुपट्टा पकड़ाकर, किसी को बांस पकड़ाकर अलग अलग तरीके से खींचा, मैंने हाथ से हाथ मिलाकर के बच्चों को निकाला वहाँ से। तो आपके भाई के ये दो ही बेटे थे और दोनों आज? मेरे भाई का जीवन था जी, मान लीजिए मेरे भाई के दो ही बेटे थे जी, अभी कुछ नहीं, मेरे भाई का पूरा जीवन बर्बाद। और केवल बच्चों को ले गए कम से कम 30 किलोमीटर दवाई जी, थाने के सामने गगन चिकित्सालय है, उसमें पड़े थे, पोस्टमार्टम की भी कह रहे थे और हमने नहीं करा, जबरदस्ती उसको निकाल के लाए थे बच्चों को, वहाँ पे उपद्रव भी हुआ थोड़ा सा, पुलिस वाले ने हरकत भी की। यहाँ पे एम्बुलेंस की भी कोई सुविधा नहीं थी और अर्जेंट सुविधा कोई भी नहीं थी वहाँ पे, सब अनसिक्योर। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम बंटी है, वो मेरे भतीजे हैं। आपके भतीजे थे जी? तो वहाँ एम्बुलेंस की भी कोई सुविधा नहीं थी? क्या ना अनफॉर्चुनेटली थे, बिल्कुल छुट्टी पा रहे थे, वही कह रहे थे यहाँ से ले जाओ। अब वो क्या ना, हमें तो कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा ना, फिर उधर डिसीजन लेना पड़ेगा हमें, सुविधा नहीं थी उधर। हमने वहाँ पे जाम भी लगाया था, हमने पेट्रोल भी छिड़क लिया था कि हमें गोली मार दो आप, कोई संतुष्टि नहीं है। बच्चों की सिक्योरिटी नहीं है सर। माँ चलो सपोज करो हमारे बच्चे गए, हम चाहते कि आगे से किसी बच्चे की जान ना जाए वहाँ पर, और भी जाएंगे, किसी का घर ना उजड़े, किसी का बाप के नीचे किसी का साया ना खत्म हो, हम केवल ये चाहते हैं बस सिक्योरिटी होनी चाहिए, बैरिकेडिंग होनी चाहिए, जिससे कि आगे फ्यूचर में बच्चों को जान का हादसा ना हो। तो यहाँ अपने यहाँ जब कुंभ लगा था यमुना में तो व्यवस्थाएं ठीक थी? यहाँ की व्यवस्थाएं तो हमेशा ठीक रहती थी हमारे वृंदावन, लोगों को वो रोकते भी थे बैरिकेडिंग के। मैंने बोला भी था वहाँ पे, वहाँ के प्रशासन को मैंने बोला था कि जी हमारे वृंदावन में कुंभ भी लगा हुआ था और कभी भी आप एवरी टाइम आते हैं, कभी कोई बंदा डूब के 100 में से 1 बंदा मरता है, वो अपनी मौत मरता है, ऐसे नहीं मरता है, बच्चे फड़फड़ाने को बचाने वाला पैदा नहीं है, ऐसे नहीं मरते बच्चे। प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है, प्रशासन की कोई गलती नहीं है, ऐसे बोलने प्रशासन की कोई गलती नहीं है, इससे ज्यादा प्रशासन की क्या गलती होगी जब वहाँ पूरा इतना बड़ा मेला है अमावस्या का और वहाँ पर कम से कम 10,000 लोग थे, कम से कम 5,000 व्हीकल थे वहाँ पर, और उनकी कोई भी सुविधा नहीं थी, ना कोई पार्किंग थी, ना लोगों को निकलने का रास्ता मिल रहा था, बैरिकेडिंग थी नहीं, फिर भी प्रशासन बोलता है हमारा प्रशासन वहाँ उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। वहाँ प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो, इसलिए प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि वहाँ कोई व्यवस्था करें ताकि आगे से इस तरीके की कोई घटना ना होने पाए। मैं वृंदावन से न्याय टीवी